AI, 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 AI,

बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल ओवरव्यू से यहां पर क्या होगा जब भी कोई यूजर सर्च करेगा ऑन गूगल तो गूगल विल जस्ट गो थ्रू ऑल द लिस्टिंग जो भी टॉप पेज पर है उसमें से जो भी सबकी समरी है उसको निकाल के वो ए आई में पहले ही दे देगा इसको पहले गूगल एस जी ई बोलता था सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस अब उसको ए आई ओवरव्यूज कर दिया इनका पता नहीं मुझे क्यों बार बार रीनेम करते रहते हैं बार्ट से जमीनाई कर दिया एस जी से ए आई ओवरव्यूज कर दिया है तो बेसिकली ये है कि जो भी आप लोगों ने कॉन्टेंट लिखा है इफ़ यू आर अ ब्लॉगर इफ यू आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर तो जो भी उनका कॉन्टेंट रहेगा गूगल सिंपली उसको क्रॉल करेगा एंड देन अपना ही एक अलग कॉन्टेंट बना के दे देगा पाया ए आई यहाँ पर अभी कुछ मेजर चेंजेस नहीं करे करेगा जो एक नई चीज़ आई है वो है गूगल वेब के नाम से जो कि ओरिजिनल वेब सर्च रहेगा मतलब वहाँ पर कोई ए आई ओवरव्यूज वगैरह नहीं आएगा वो रहेगा गूगल वेब के अंदर वैसे मेरे हिसाब से उल्टा होना चाहिए था गूगल की जो ओरिजिनल सर्च है वहाँ पर ऐसा होना चाहिए था और जो ए के ऑप्शन है वो आपको एक सेपरेट ऑप्शन वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते थे अब अगर आपको ए के आंसर्स नहीं चाहिए तो आपको एक सेपरेट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जैसे इमेजेस वीडियोस करते हैं वैसे ही आपको वेब का ऑप्शन मिलेगा गूगल सर्च में जो मुझे अपडेट अच्छी लगी है वो है मल्टी स्टेप रीजनिंग वाली यहाँ पर यू कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस इन अ क्वेरी और वो मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स गूगल अलग अलग पेजेस में जाके क्रोल करेगा एंड देन उसका रिजल्ट एआई में दे देगा फॉर एग्जांपल आई से थ्री डे मील्स फॉर अ ग्रुप एंड दैट शुड बी इन बजट एंड दैट शुड भी हेल्थी तो वो अलग अलग पेजेस को यहाँ पे क्रॉल करेगा देखेगा कि थ्री डे मील प्लान क्या रहेगा ग्रुप के लिए कौन से अच्छे रह सकते हैं बजट पर कौन से अच्छे रह सकते हैं हेल्दी में अच्छे कौन से रह सकते हैं एंड देन उसको कंबाइन करके मुझे एक अच्छा रिजल्ट देगा ये एक्चुअल मुझे लगा कि ए आई का प्रॉपर यूज़ यहाँ पर हो रहा है हालाँकि ब्लॉगर्स के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है बट यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा कि उनको अलग अलग पेजेस विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी एक और इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स से आई वॉन्ट टू प्लान अ ट्रिप इन समर्स अंडर दिस दिस बजट वेयर आई हैव एक्सेस बाय अ फ्लाइट आई डोंट वॉन्ट टू ट्राइवल वाई अ रोड और वाई रेलवेज तो अब यहाँ पर वो अलग अलग अगेन आर्टिकल सर्च करेगा कि समर्स में कौन से अच्छे हैं इस बजट के लिए कौन से अच्छे हैं और फ्लाइट से कौन कौन सी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है इन तीनों के बेसिस पर वो मुझे ट्रिप बना के देगा तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के आंसर्स भी अब आपको मिल जाएंगे आपकी गूगल सर्च क्वेरीज में अगेन नहीं अभी लॉन्च नहीं हुआ है, आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर बताया जेबिनाई 1.5 के बारे में जो इसमें सबसे मेजर अपग्रेड किया गया है जेमिनाई में दैट कैन चेंज द होल गेम वो है वन मिलियन टोकन कॉन्टेक्ट का कि अब वो वन मिलियन टोकन्स को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है आप बहुत सारे यहाँ पे क्वेरीज कर सकते हो एंड दैट ए कैन स्टोर क्वेरीज फॉर रेफरेंस चार्ट जीपी में एट प्रेजेंट वन टी एट के आई थिंक अब यहाँ पे जो एक टोकन का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि वो एक वर्ड होता है या फिर एक कैरेक्टर होता है एक टोकन यहाँ पे चार पांच कैरेक्टर्स होते हैं चार पांच कैरेक्टर्स को ये लोग एक टोकन बोलते हैं नाउ बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जैसे कि गूगल मीट पर अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसकी यू कैन गेट समरी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसने क्या बोला है पूरा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर मीटिंग आपको मिल जाएगा नेक्स्ट मेजर एडवांटेज मिलेगा जीमेल के ऊपर वो जी पे आपको समराइज करके दे पाएगा कि थ्रेड्स की समरी आप कुछ पर्टिकुलर ई अगर भेजे हैं उसकी समरी क्या है अगर बहुत सारे अलग अलग ईमेल्स भेजे हैं और सब अलग अलग डेट पर भेजे हैं तो भी वो उसको यहाँ पे समराइज करके आपको बता पाएगा फॉर एग्जाम्पल यू कैन एंटर समराइज स्कूल ई मेल्स की कौन कौन से स्कूल से ई मेल आए हैं आपके बच्चे के लिए तो पूरे ई मेल्स को यहाँ पे समराइज करके आपको बता देगा यू कैन ऑर्गेनाइज द रिसीट्स जो भी आपको आपके रिसीट्स आई हैं आपके ई मेल के ऊपर वो उसको ऑर्गेनाइज कर देगा उसको शीट में सेव कर सकता है एंड देन आप शीट पे तो उसको कमांड दे सकते हो कि अब जो आपने ऑर्गेनाइज किया है जो भी हमने टेबल वगैरह बनाया है उसको एनालिसिस करके बताओ मुझे कि मैंने कहाँ पे कितना स्पेंड किया है कहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग है पिछले कुछ तीस दिनों में सो so यहाँ पर ए आपको काफ़ी अच्छे से रिसर्च और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा अभी जो इसकी टोकन विंडो है वो वन मिलियन की है लेकिन बहुत ही जल्दी ये टू मिलियन तक पहुंच जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अब कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस किस तरीके से अभी एट प्रेजेंट लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे आंसर्स जो मुझे अच्छे लगे हैं वो एक तो ये है कि यहाँ पर पूरी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक इन्होंने डाल दी जेमिनाई वन पॉइंट प्रो पे एंड उसने पूरी टेक्स्ट बुक को रीड किया और जो भी यहाँ पर आंसर्स दिए हैं उसने दैट इज करेक्ट एज पर द टेक्स्ट बुक तो दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग कि आप पूरी की पूरी अपनी टेक्स्ट बुक डाल सकते हो इन जेमिनाई वैसे ही सेम यहाँ पर पूरा कोड डाल दिया गिटहब का और गेटअप पे जो भी पूरा कोड बेस था जो भी एरर्स थे जो भी चीज़ें काम नहीं कर रही थी वो इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ़िक्स कर दी आ, एक यहाँ पे सिंपली स्क्रोल किया ट्विटर को उसका वीडियो इनपुट किया वो प्रोजेक्ट एस्ट्रा की वजह से हो रहा है वो क्या हो रहा है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सो so, यहाँ पे बेसिकली एक वीडियो को यहाँ पे इनपुट कर दिया इन्होंने कि ट्विटर को यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया देन मैंने जेमिनाई में इनपुट कर दिया उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई को हमने बोला कि आप उसको ऑर्गेनाइज कर दो जो भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट माई ट्वीट फ्राम दिस वीडियो जो भी मेरे वीडियो में यहाँ पे ट्वीट है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लो और उसके बाद जेमिना यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके कुछ इस तरीके से दे देगा एंड देन वी सेड कि ये जो भी आपने ट्वीट्स को एक्सट्रैक्ट किया है उसको आप यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में दे दो इसी तरीके से हियर दिस गाय फीडेड दिस वीडियो यहाँ पर एक एक्सरसाइज का वीडियो इन्होंने फीड किया जो कि अराउंड था 21 मिनट का और उस 21 मिनट के वीडियो में जो जो उन्होंने एक्सरसाइज किए जो जो रेप्स लगाए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको उसने जेसन फॉर्मेट में दे दिया है कि पहले स्टैंडिंग कर्ल्स किया है कितने रेप्स किए कितने सेट्स किए कितना वेट किया है और उसके बाद क्या आपका ओपिनियन रहेगा उस एक्सरसाइज के ऊपर वो भी यहाँ पर इसने लिख के दे दिया है जेमिनाई ने अब जो भी मैं वीडियोज़ की यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो आता है प्रोजेक्ट एस्ट्रा के अंदर

That is the tweeter. It produces high frequency sounds. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AESCBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections.

वो काफ़ी सही लग रहे हैं मुझे तो काफ़ी क्लोज वॉर चल रही है दोनों के बीच में देखते हैं कौ, किसको यहाँ पर एज मिलता है बट एनी वेज पर एक और मैं आपको प्रोजेक्ट एस्ट्रा का एग्जाम्पल देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया कॉफ़ी मशीन्स पे तो ये कॉफ़ी मशीन्स के पास अपना फ़ोन लेके गए एंड देन ही आस्ट प्रोजेक्ट एस्ट्रा जो कि जेमिना है कि कॉफ़ी यहाँ पे कौन सी चूज़ करूँ कैसे बनाऊँ कैसे इस कॉफ़ी मशीन को यहाँ पे यूज़ किया जाए और प्रोजेक्ट एस्ट्रा ने यहाँ पर पूरा उनको बता दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी कॉफी को ब्रू करना है किस तरीके से आपको यहाँ पे कॉफी मशीन को उस पर्टिकुलर कॉफी मशीन को यूज करना है एंड सेम प्रोजेक्ट एस्ट्रा से यहाँ पे पूछा गया कि ये जो प्लांट्स है ये किसके बारे में है क्या इनकी क्वालिटीज है कौन से प्लांट यहाँ पे अच्छा है उसके बाद यहाँ पर गूगल ने अपना इमेजिन थ्री लॉन्च किया है जो कि उनका एक इमेज क्रिएटिंग एआई आर्ट है एआई सॉफ्टवेयर है एंड अभी तक इसका एक्सेस नहीं है इंडिया में कब आएगा कुछ पता नहीं है हो सकता है आने वाले तीन चार महीनों में मिल जाए इंडिया में इसका एक्सेस नहीं है जो इन्होंने पे वीडियो शो किया है वो काफ़ी इंप्रेसिव है और अगर अभी आपको इमेज आर्ट के लिए चाहिए कोई तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ बेस्ट फ्री ए, -ए आर्ट जनरेटर का वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा इंड फैक्ट मेरे ब्लॉग पर भी है लेटेस्ट अगर आपको चाहिए तो जाके मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हो वहाँ पर भी बेस्ट फ्री ए आई आर्ट जनरेटर वीडियो जनरेटर म्यूजिक जनरेटर ए आई के बहुत सारे टूल्स है जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने निकाला है म्यूजिक ए आई अगर म्यूजिक जनरेट करना है तो आप लोग इनका म्यूजिक ए आई यूज़ कर सकते हो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने यहाँ पे म्यूजिक जनरेट करके दिखाए थे अगेन ये भी इंडिया में एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है इसके बाद था व्यवो वियो यहाँ पर वीडियोज को क्रिएट करेगा फ्रॉम टेक्स्ट जो उन्होंने यहाँ पे वीडियो एग्जाम्पल्स दिए वो अगेन दैट वॉज इम्प्रेसिव रिसेंटली ओपन ए ने भी अपना सोरा करके लॉन्च किया था जो कि वीडियोज़ को जनरेट करेगा ये दोनों अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और अभी तो सिर्फ एक डेमो ही दिया है उन्होंने देखते हैं कि इस कब तक आएंगे और हम लोग इसको किस कैसे यूज कर पाएंगे अगली मेजर अपडेट आई है यहाँ पे फोटो सर्च पे कि अब आप गूगल फोटोज को सर्च कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ ए आई यू कैन आज गूगल फोटोज व्हाट्स माई लाइसेंस प्लेट तो सारी गूगल फोटोज को सर्च करेगा उसके अंदर जाएगा देखेगा कि आपकी लाइसेंस प्लेट क्या है और आपको वो फोटो ला दे देगा यहाँ पर यू कैन जस्ट आज गूगल फोटोज़ की वेन डिड माई किड लर्न टू स्विम तो जितनी सारी फोटोज़ है आपके बच्चे की वो पूरी स्कैन करेगा देखेगा और वो एक पूरी टाइमलाइन बना के दे देगा कि ठीक है पहले ऐसा था दो महीने बाद ऐसा हुआ तीन महीने बाद ऐसे प्रोग्रेस हुई है तो आप सारी फोटोज़ को बेसिकली सर्च करे प्राइवेसी अब अपनी भूल जाओ आई थिंक क्योंकि इतना एक्सेस हो गया उसके पास डेटा का गूगल का दैट प्राइवेसी आई डोंट थिंक सो विल एग्जिस्ट एनी मोब बट या फीचर है यूटिलिटी है कन्वीनियंस आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ए आई

Let's take a listen. So let's, uh, let's dive into physics. What's on deck for today? Well, uh, we're starting with the basics force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his three laws of motion. Ah, uh, yes, the foundation for understanding how objects move and interact. Yeah, can you give my son Jimmy a basketball example? Hey, Jimmy! That's a fantastic idea. Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down.

दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग दैट इज़ रियली गेम चेंजिंग इन माई ओपिनियन एंड एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी गूगल वालों की कि इनका जो गूगल ए आई असिस्टेंट है कि ओके गूगल जो यहाँ पर हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं वो पिछले दो तीन साल से बदला ही नहीं है इतनी सारी ए आई की चीज़ें आ रही हैं उसका वैसे का वैसे ही वो समझ रहा है रिप्लाई कर रहा है एंड आई एम वेरी फ्रीडप विथ दैट कि जब वो चीज़ आपकी पहले से ऑडियंस यहाँ पे यूज कर रही थी आप उनको दूसरी चीजें और क्यों दे रहे हो उसी चीज़ में इंटीग्रेट कर लो अलग अलग नाम दे के रखे बहुत सारी चीज़ों के जेमिनाय पहले बार्ड होता था फिर इसको जेमिनाय कर दिया फिर गूगल एस जी ई गूगल ए आई ओवर व्यूज वीओ गूगल म्यूजिक गूगल इमेजिन थ्री वीडियो एफ एक्स प्रोजेक्ट एस्ट्रा वीओ तो इतने सारे जो इन्होंने नाम दे के रखे ना इसको मेरे हिसाब से काफ़ी कम किया जा सकता था एंड थोड़ा पब्लिक के लिए ईजी हो जाता कि वो याद कर पाते बट आई ऑल्सो तो थिंक सो कि यूजर्स यूजर्स यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क उनको पड़ता नहीं है कि वो एक्चुअल में कभी ए आई ओवरव्यूज का यूज़ भी कर रहे होंगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा नहीं है ए आई ओवरव्यूज है अच्छे है इमेजिन है क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बट नेमिंग इसकी काफ़ी सही करके और इसको काफ़ी सिंक्रोनाइज किया जा सकता था एक दूसरे के साथ इन टर्म्स ऑफ नेमिंग और गूगल असिस्टेंट को अपडेट कर दो यार मतलब